नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। लता दीदी को गए एक साल गुजर गया है, लेकिन उनकी यादें आज भी उनके चाहने वालों के दिलों में पहले जैसे ही ताजा है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की आज पहली पुण्यतिथि है। 6 फरवरी 2022 को आज ही के दिन उनका निधन हो गया था। वो कोरोना से संक्रमित थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि फिर भारत ने एक अनमोल रत्न को खो दिया। दिवंगत सिंगर की पहली पुण्यतिथि पर आइए जानते हैं उनसे जुड़े कुछ किस्से। पेश एक रिपोर्ट। लता दीदी अपने 8 दशक से ज्यादा के करियर में 36 भाषाओं में तकरीबन 50,000 से ज्यादा गाने गाए थे। उनकी आवाज लोगों के दिलों को छू जाया करती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 9 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने अपना पहला परफॉर्मेंस दिया था। ऐसा बताया जाता है कि परफॉर्मेंस के बाद लता जी अपने पिताजी की गोद में ही सो गई थी। लता जी ने अपनी पहली रिकॉर्डिंग 13 साल की उम्र में की थी। जिस फिल्म के लिए उन्होंने गाना रिकॉर्ड किया था, वो फिल्म और गाना कभी रिलीज ही नहीं हुई। लता मंगेशकर के पिताजी के निधन के बाद घर की जिम्मेदारी लता जी पर आ गई थी। उन्होंने फिल्मों में गाने का रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। नटली चैत्राची नवलाई गाना उनकी पहली रिकॉर्डिंग थी और इसके लिए उन्होंने महज 25 रुपए ही फीस ली थी। मास्टर हैदर अली ने लता जी को साल 1948 में पहला फिल्मी ब्रेक दिया। लता जी ने फिल्म मजबूर के 2 गाने गाए, जो उनके लिए बड़ा ब्रेक साबित हुआ। लता मंगेशकर को अपने करियर का पहला अवार्ड साल 1958 में मिला था। उन्हें फिल्म मधुमती के गाने आजारे परदेसी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। लता मंगेशकर ने अपने कामयाब सिंगिंग करियर के साथ साथ म्यूजिक डायरेक्शन का भी काम किया था। उन्होंने बतौर म्यूजिक डायरेक्टर मराठी फिल्म राम राम पवहाने की थी। इसके बाद उन्होंने और भी कई मराठी फिल्मों में संगीत दिया था। साल 1969 में उन्हें पद्म भूषण का अवार्ड दिया गया। 1989 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। वहीं साल 1999 में उन्हें पद्म विभूषण दिया गया। 2001 में भारत रत्न और 2008 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया था। साल 1963 में लता दीदी को धीमा जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। इसकी वजह से उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि कई महीनों तक वो खुद बेड से नहीं उठ पाई। हालांकि इसके बावजूद इसका कोई भी गहरा असर उनकी आवाज की पहचान को दबाने में कामयाब नहीं हो पाया। ऐसे में लता मंगेशकर ने इस दर्दनाक हादसे के बाद भी कई सुपरहिट गाने दिए। हालांकि जहर किसने दिया ये बात स्वर कोकिला जानती थी, लेकिन कोई ठोस सबूत न होने के कारण उन्होंने उस नाम का खुलासा नहीं किया। पॉपुलर सिंगर लता मंगेशकर को शादी में गाना बिल्कुल पसंद नहीं था। ऐसा करना उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने जैसा था। इस बात का खुलासा खुद उनकी बहन आशा भोसले ने किया था। एक इंटरव्यू के दौरान स्वर कोकिला से सवाल किया गया था कि दोबारा जन्म मिलने पर क्या वो फिर से लता मंगेशकर बनना चाहेंगी। इस पर उन्होंने कहा था कि वो कभी लता मंगेशकर नहीं बनना चाहेंगी, क्योंकि लता मंगेशकर ने जो संघर्ष, तकलीफें और परेशानियां झेली हैं, वो सिर्फ वही जानती हैं। सुरीली आवाज के लिए मशहूर लता मंगेशकर ने अपनी जिंदगी में तकरीबन 36 भाषाओं में गाना गाया है। अपने 8 दशक के करियर में उन्होंने 50,000 से ज्यादा गानों को अपनी आवाज दी है। स्वर कोकिला ने 8 दशकों में सिनेमा के हर दौर को अपनी आवाज से सराबोर करते हुए एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने दिए हैं। इंडी टाइम्स की ओर से लता दीदी को श्रद्धांजलि। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।